नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर एबीपी सी वोटर की तरफ से जारी किए गए ओपिनियन पोल के बारे में। चुनाव आयोग ने हाल ही में बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में होने वाले चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा कर दी है, जिसके तहत चुनावी प्रक्रिया 27 मार्च से शुरू होने वाली है, जो कि 29 अप्रैल तक जारी रहेगी। वहीं इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव सबसे अहम माना जा रहा है। इस चुनाव में कुल मिलाकर 8 चरणों में मतदान जाने हैं। इसके साथ ही असम में 3 चरणों में चुनाव होगा, वहीं बाकी सभी जगहों पर एक एक चरण में चुनाव करवाए जाएंगे। हालांकि अब चुनाव से पहले ही एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक बंगाल में एक बार फिर से ममता सरकार बनती दिखाई दे रही है। इससे यह कहना गलत नहीं होगा कि जो अरमान भाजपा सजाए बैठी है वो इस बार के विधानसभा में पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। सर्वे की माने तो बंगाल की कुल 294 सीटों में वोट प्रतिशत को देखें तो टीएमसी को 43%, भाजपा को 38% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 13% वोट मिलने के आसार जताए गए हैं। वहीं अन्य के खाते में 6% वोट जा सकते हैं, जिसके बाद अगर हम सीटों को देखें तो ममता दीदी की वापसी बिल्कुल तय मानी जा रही है। सर्वे की माने तो टीएमसी के खाते में 148 से 164 सीट मिल सकती है, वहीं जीत का दावा करने वाली भाजपा को 92 से 108 सीटों के मिलने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही अगर हम कांग्रेस और लेफ्ट की बात करें तो 32 से 40 सीट मिल सकती है। अब बात केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की। एबीपी के सी वोटर की माने तो पुडुचेरी के चुनाव में एनडीए सत्ता में वापसी कर सकती है। वोट प्रतिशत की बात करें तो यहां पर एनडीए को 46% वोट यानी कि 17 से 21 सीट मिलने की संभावना बताई गई है। वहीं पुडुचेरी में कांग्रेस के गठबंधन को 36% वोट यानी कि 8 से 12 सीट मिल सकती है। वहीं अन्य को 18% वोट यानी कि 1 से 3 सीट मिलने की संभावना जताई गई है, जिसके बाद अब भाजपा एक बार फिर से सत्ता में वापस लौटती दिखाई दे रही है। अब बात तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की। एबीपी के सी वोटर की तरफ से जारी किए गए ओपिनियन पोल के मुताबिक AIADMK को तमिलनाडु में 58 से 66 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं डीएमके गठबंधन की वापसी की उम्मीद जताते हुए रिपोर्ट के अनुसार डीएमके गठबंधन को सत्ता में लौटाते हुए दिखाया गया है। इसके साथ ही डीएमके गठबंधन को 154 में से 162 सीट मिल सकती है, वहीं अन्य के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट की माने तो तमिलनाडु में AIADMK और समेत जो भी दल उसमें शामिल है उसे 29% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है, तो वहीं इस चुनाव में डीएमके गठबंधन को 41% वोट मिलने का अनुमान जताया गया है, वहीं अन्य के खाते में 30% वोट जा सकते हैं। अब बात केरल विधानसभा चुनाव की। एक चरण में होने वाले इस चुनाव में एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे के मुताबिक सीपीआई के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को 40% वोट यानी कि एलडीएफ को 83 से 91 सीट मिलता नजर आ रहा है, जबकि इस चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड फ्रंट के खाते में 33% वोट यानी कि 47 से 55 सीटें जा सकती हैं, जबकि भाजपा को 13% और अन्य को 15% वोट यानी कि 0 से 2 सीट मिलने की उम्मीद जताई गई है। सी वोटर के आंकड़ों की माने तो 38.5% लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में पिनराई विजयन को अपनी पहली पसंद करार कर दिया है, जबकि 27% लोगों ने कांग्रेस के ओमन चांडी को अपनी पहली पसंद बताया है। अब बात असम विधानसभा चुनाव की। असम में इस बार भाजपा की घर वापसी होने वाली है। एबीपी के सी वोटर की माने तो भाजपा गठबंधन को 42% वोट के साथ 68 से 76 सीट आ सकती है। इसके साथ ही कांग्रेस गठबंधन को 31% वोट मिलने का अनुमान है, जिसके तहत असम में कांग्रेस गठबंधन को 43 से 51 सीट मिलती दिखाई दे रही है, बाकी अन्य के खाते में 5 से 10 सीट आएंगी। वोट प्रतिशत की बात करें तो अन्य के खाते में 27% वोट देखे जा सकते हैं, यानी कि असम के लोग एक बार फिर से सर्वानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसके साथ ही 44% लोगों ने सोनोवाल को ही अपनी पहली पसंद बताया है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो दूसरे नंबर पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई हैं। गौरव पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे हैं। सर्वे में शामिल 26% लोगों का गौरव गोगोई को सीएम पद के लिए अपनी पहली पसंद बताया गया है। इसके साथ ही 15% लोगों ने हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद बताया है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके अनुसार 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में सी वोटर की तरफ से लगाया गया अनुमान सही साबित होगा या नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।